खबर पोहरी में चर्च थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ककरा और देहदे के बीच स्थित कचार की है, जहां लगभग 3 बीघा में अफीम की खेती की जा रही थी, जिसकी सूचना पोहरी नवागत SDOP मनीष यादव को मिली। सूचना मिलते ही पोहरी SDOP ने पोहरी एवं चर्च की संयुक्त पुलिस बल को मौके पर पहुंची, जहां लगभग 3 बीघा में अफीम की खेती की जा रही थी। मौके पर पहुंचे पुलिस बल द्वारा अफीम के पौधों को उखाड़ा जा रहा था। मौके पर पहुंचे पुलिस बल द्वारा अफीम के पौधों को उखाड़ा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जिले में पहली कार्रवाई है जो इतनी मात्रा में अफीम की खेती पाई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस अफीम की कीमत का आकलन लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर लगाया जा रहा है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खेती की जा रही थी, कितनी मात्रा में सर जब्त की है और कितने के आरोप है? जी, कल हमें मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें अफीम की खेती होने की सूचना हमें मिली थी। इसके लिए हमने थाना पुलिस पोहरी और चर्च सिरसौद और बैराड़ की पुलिस टीम बना करके यहाँ से रवाना किया, जिसमें हमें दैदे और छनारी के कछार में लगभग 3 बीघा खेती खेत पर 3 बीघा ज़मीन पर अफीम की खेती होना पाया गया, और जिसमें से लगभग हम लोगों ने 5400 नग समथिंग 598 किलोग्राम अफीम जब्त किया है, जो कि लगभग 40 लाख रुपए का जिससे अफीम का उत्पादन किया सकता था। सर, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और कितने अभी इसमें संदिग्ध? अभी तक इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कोमल आदिवासी जिसका स्वयं का खेत है और पदम यादव, ये 2 आरोपी हमें मौका वारदात से पाए गए, जो कि वहाँ खेती इनके द्वारा की जा रही थी। सर, पोहरी क्षेत्र में यह क्या पहली बार ही अफीम की खेती कर रहे थे या इससे पहले भी इनने खेती की है? इंटरोगेशन में क्या कुछ सामने आया? अभी इंटरोगेशन चल रही है, अभी इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी इसके संबंध में विवेचना जारी है, अन्य आरोपी भी इसमें तलाश जारी है। सर, आगे भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएंगी कई अन्य जगह अगर इस तरह की मादक पदार्थ? जी, इस तरीके की अगर हमें सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। नशा मुक्ति अभियान के तहत ही ये कार्रवाई की गई है, और भविष्य में भी अगर गांजा अफीम चरस इसमें जैसी कोई भी जानकारी मिलती है तो उस पर तुरंत पौरी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की